हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पेटल या ट्यूलिप स्लिप्स की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो इसमें सबसे पहले हमें पेपर पर बेसिक स्लीव का पैटर्न काट लेना है। ये देखिए, जैसे हमारा बेसिक स्लीव का पैटर्न होता है ऐसा हम काट लेंगे। तो मैंने एग्जांपल के लिए अभी 5 इंच की लेंथ रखी है और स्लीव राउंड रखा है 5.5 इंच का, और यहाँ से ये जो दूरी रखी है वो 2 इंच की रखी है। और इस तरीके से मैंने स्लीव्स का शेप देकर इस पेपर को काट दिया। इस पेपर पे मैंने सिलाई मार्जिन नहीं रखा है, वो हम कपड़े के ऊपर ही रखेंगे। अब इस तरह से हमने पहले बेसिक पैटर्न काट लिया है स्लीव्स का। इसके बाद इस पर हम इस जो ये हमारी बीच की लाइन दिख रही है सेंटर की, वहाँ से 3 इंच पे एक मार्क करेंगे और उस मार्क से यहाँ पर एक 1 इंच का मार्क करेंगे। 1 इंच या उससे थोड़ा सा आप कम भी ले सकते हो, लेकिन हमारी जो गाइडलाइन रहेगी वो ये जो पेपर की जो क्रीज लाइन है वही हमारी गाइडलाइन रहेगी। उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ से 3 इंच का मार्क किया और यहाँ से 1 इंच का मार्क किया। यहाँ से हम ये एक शेप ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। इस शेप को ड्रॉ करने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, इसको मैंने ऐसे कट कर लिया और इस पर मैं बैक लिख दूंगी। ये बैक पार्ट है स्लीव्स का। अब हमें फ्रंट पार्ट कट करना है। अब हमने उस जो बैक पार्ट को काटा था उसी को हमने ऐसे पलट के दूसरे पेपर पे रख लिया है। अच्छे से इसको सेट करके फिर हम पूरा यहाँ से उसको ड्रॉ कर लेंगे। ये ड्रॉ करने के बाद हम इसको इस पेपर की जो हमने स्लीव्स का पैटर्न ड्रॉ किया है इसको काट लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसको रखकर इसके ऊपर ड्रॉ करके इसका दूसरा पार्ट भी काट लिया था। अब ये जो पहले वाली हमारी क्रीज लाइन थी, अगर आपको याद हो हमारे बेसिक वाले पैटर्न में, ये वाली क्रीज लाइन थी बेसिक पैटर्न में, उसी को यहाँ पर रख कर और ऐसे करके मैंने एक यहाँ पर भी निशान ले लिया है। वो इसलिए लिया है क्योंकि जब हम अपनी पैटल स्लीव बनाएंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी सही पोजीशन है जहाँ पर ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। जब तक सही पोजीशन का पता नहीं होगा वो कुछ अनटाइडी सा लगेगा, इतना सुंदर नहीं लगेगा देखने में। इसलिए अगर हमें पता होगा कि नहीं मुझे इस कट से इस कट को मिलाना है तो हमारा जो ये ओवरलैपिंग वाला काम है वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। इस तरह से हम इसको ओवरलैप कर लेंगे। तो ये तो पेपर कटिंग हो गई। ये देखिए, कोई भी जो ट्यूलिप स्लीव्स बनाई जाती है या पेटल स्लीव्स बनाई जाती है वो बिना पेपर कटिंग के हम नहीं बना सकते। तो ये हमने पेपर कटिंग कर ली, अब हम इसको कपड़े के ऊपर कट करेंगे। फ्रेंड्स, जो हमारी बेसिक स्लीव्स की ये जो क्रीज थी जिसमें मैंने कट लगाने को बोला था, उसी क्रीज की सीध में हम उसी क्रीज को लेते हुए हम स्केल से एक लाइन खींच लेंगे ताकि हमें साफ साफ दिखाई दे। ये दोनों पार्ट में हम लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने का रीज़न ये है कि जब हम उसे कपड़े पे प्लेस करेंगे, ये देखिए मैं इसको कपड़े पे प्लेस कर रही हूँ, तो ये ऐसे ऐसे ना रखा के बिल्कुल जो कपड़े की ग्रेन लाइंस हैं उनके हिसाब से ही रखा है। तो जब ये लाइन सीधी होगी मतलब हमारे कपड़े की ग्रेन लाइन भी हमको मिल रही होगी, नहीं तो वो ऐसे ऐसे कैसे भी कट जाएगी तो उसके अंदर झोल आएगा। फिर ये मैं इसको ऐसे प्लेस कर ले रही हूँ। मैंने ये प्लेस कर लिया, अब मैं इसे पिन से सिक्योर कर लूंगी ताकि ये इधर उधर ना हो। अब मैंने इसे पिन से सिक्योर कर लिया है। अब मैं टेलर चौक की हेल्प से पूरा शेप ड्रॉ कर दूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो
तो प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि मैं और क्या क्या चीज़ें आप मुझसे पूछना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, मैं वो सारी चीज़ें बताऊँगी। आप प्लीज़ कमेंट करिए कि आप अगला नेक्स्ट क्या सीखना चाहते हैं। ये मैंने सिलाई मार्जिन इतना ले लिया है क्योंकि मैं पेपर पर सिलाई मार्जिन नहीं लेती, इसलिए मैंने यहाँ पर सिलाई मार्जिन ले लिया है। अब मैं यहाँ पर भी इतनी दूर से चौक के निशान लगा रही हूँ क्योंकि इधर से मैं कपड़ा कट करूँगी। यहाँ पर भी ये जो निशान लगाया इस पर सिलाई होगी और जो दूर से लगाया उस पर कपड़ा कट करूँगी। अब मैं आपको कपड़ा कट करके बताती हूँ। अब हमने ये बैक पार्ट तो पेपर पे काट लिया है, बैक पार्ट तो पेपर पे काट लिया है, मैंने इस पर बैक भी लिख दिया है। अब हम ये फ्रंट पार्ट काट रहे हैं, तो इसके लिए भी उसी तरीके से ये जो यहाँ पर कट दिया था उससे हम ये स्केल से लाइन खींच लेंगे एक सीधी, जिससे हमें ये पता चले कि हमारा कपड़ा हमारा पेपर जो है वो कपड़े की ग्रेन लाइन से मैच कर रहा है। ये देखिए ग्रेन लाइन है, इससे मैच कर रहा है, ऐसे ऐसे नहीं रखा, ठीक रखा है। अब इसके किनारे किनारे मैं पूरे मार्क लगा के इसको ड्रॉ कर लूँगी, इसकी ड्राफ्टिंग कर लूँगी। और ये मेरा सिलाई मार्जिन हो जाएगा, ये जहाँ मैंने नॉचेस दिया एक वहाँ पे भी मार्क कर लूँगी इधर पे। अब यहाँ से थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैं डॉटेड मार्क लगाऊंगी जहाँ से मैं ये पैटल स्लीव्स को कट करूँगी। ये देखिए ये जो दिख रहा है दूर पे, यहाँ से हम इसे कट करेंगे। चलिए देखिए मैंने ये दोनों पार्ट काट लिए हैं, ये बैक पार्ट है, ये फ्रंट है, मैंने इस पर लिख भी दिया है। और ये कपड़े का बैक साइड है, ये कपड़े का फ्रंट साइड है, मतलब राइट साइड है। अब हम इसको सिलाई करेंगे, कटिंग करने के बाद ये इस तरीके से आएगा, ये देखिए, ठीक है। चलिए अब हम सिलाई करते हैं जाकर इसकी। अब मैंने एक औरेबी पट्टी काटी है इतनी लंबी, और उसको इतनी चौड़ी पट्टी काटी है, और उसको इस तरीके से फोल्ड करके प्रेस कर दिया है अच्छे से। अच्छे से प्रेस करने के बाद हम लोग जो इसका नीचे वाला पोर्शन है उसको फिनिश करने के लिए इस औरेबी पट्टी को यूज़ करेंगे। उसे यहाँ से ऐसी सिलाई देकर फिर ऐसे अंदर पलट देंगे और एक और सिलाई लगा देंगे। चलिए इस औरेबी पट्टी को कपड़े की सीधी तरफ रखकर हल्के हाथ से खींचते हुए हमें इस पट्टी को लगाना है, बहुत ही आराम से, ज़्यादा तेज से नहीं खींचना है, नहीं तो उसमें सल आ जाएंगे। और इसे हम धीरे धीरे लगाते जाएंगे क्योंकि यहाँ पर आके जाकर इसमें ये राउंड आ रहा है, तो उस राउंड को देखते हुए केयरफुली हमें लगानी है ये पट्टी। ये देखिए आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, अगर जो भी देख रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट मी। अब पट्टी को पलट के उसे नाखून से प्रेस करके टॉप सीम लगाते जाएंगे इस तरीके से, नाखून से प्रेस करके फिर इसे फोल्ड करके फिर से इसके ऊपर एक टॉप सीम लगाएंगे फोल्ड करने के बाद फिर से। हमारे पास ये एक लेस है जो इस कपड़े पे सूट कर रही है, तो मैं इस लेस को यहाँ किनारे किनारे लगाऊंगी। इस तरह से मैं इस लेस को किनारे किनारे यहाँ पर लगाती जा रही हूँ। जहाँ पे राउंड शेप आता है वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन हमें यहाँ पर इसे केयरफुली लगाना है। ये देखिए ये
ये मेरा एक पार्ट बन गया और ये दूसरा पार्ट बन गया। इस पर मैंने लिखा हुआ था, ये बैक है और ये फ्रंट है। ये हमने लेस वगैरह लगा के सब तैयार कर लिया है। अब जो मैंने यहाँ पर नॉचेस दिए थे, देख सकते हैं आप यहाँ पर और यहाँ पर, उनकी गाइडलाइन लेते हुए हम इन दोनों नॉचेस को मिला देंगे ताकि हमारा जो पैटल स्लीव है या ट्यूलिप स्लीव है उसका शेप बिल्कुल परफेक्ट आए। अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल परफेक्ट शेप आया है क्योंकि मैंने वहाँ पर उसको मिलाते हुए रखा है। अब मैं यहाँ पर इसमें सिलाई लगा दूँगी। ये सिलाई मैं इधर से लेकर इधर तक लगाऊंगी ताकि ये हमारे जो दोनों पीसेज हैं वो आपस में जुड़ जाएं। फ्रेंड्स ये देखिए, ये दोनों जुड़ना है। अब ये इस तरीके से हमारी स्लीव्स बन के तैयार हो गई है। कुछ लोगों का मैंने देखा है कि वो इस चीज़ पे भी सिलाई लगा देते हैं, ये वाली जो पोर्शन होता है ये वाला, इस पर भी सिलाई लगा देते हैं, पर मैं इस पर सिलाई नहीं लगाती हूँ क्योंकि उसका जो ओरिजिनल ब्यूटी है वो इसी में कि ये अलग रहे। जब ये इसको इस तरीके से पहना जाए हाथ में तो ये इस तरह से अलग दिखे, उसकी यही ब्यूटी है। अगर आप उसमें सिलाई लगा देंगे तो वो कुछ अजीब सा आर्टिफिशियल सा लगेगा। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप मेरा वीडियो देखकर ये स्लीव्स बना रहे हैं तो यहाँ पर सिलाई ना लगाएं, उसे ऐसे ही खुला छोड़ दें। अब हमारा ये वाला बैक पार्ट है और ये वाला फ्रंट है, तो हम यहाँ पर, यहाँ से तो हमारी हम आर्म होल का शेप दे देंगे और इधर से हम ये जो यहाँ पर ओवरलैप हो रहा है, ये जो पॉइंट बन रहा है, इधर से हम इसका सेंटर पॉइंट लेंगे। ये सेंटर पॉइंट वैसे हमारा यहीं पे आ रहा है जहाँ हमने नॉचेस लगाए थे। इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगा दी जाएगी अंदर की तरफ से। ये सिलाई लगाने के बाद ये ऐसे हो जाएगा और ये कपड़े में लगने के बाद, ड्रेस में लगने के बाद कुछ इस तरीके का लुक देगा। मतलब इसका जो बीचों बीच वाला पोर्शन है जो हमारे शोल्डर में जुड़ता है वो ये वाला रहेगा और ये वाला क्रॉस रहेगा। आपको अगर ये पता करना है कि मेरा ये वाला पॉइंट जहाँ पर ओवरलैप क्रॉस हो रहा है ये पॉइंट और जो ऊपर नॉचेस दिए, अगर वो दोनों बिल्कुल एक सीध में है तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा पेटल स्लीव का डिज़ाइन बिल्कुल सही बना है। मैंने जैसा कि आपको बताया सिलाई करते समय भी कि कुछ लोग यहाँ पर सिलाई लगा देते हैं इस पोर्शन में, बट आप लोग यहाँ पर सिलाई ना लगाएं क्योंकि जो इसकी ब्यूटी है वो इसके इस तरीके से खुले रहने में ही है, ताकि हमें पता चलना चाहिए कि हाँ ये इस तरह से ओवरलैप हो रहा है, जो देखे उस स्लीव्स को उसे पता चले। तो मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगी कि यहाँ सिलाई ना लगाएं, अब अपने ड्रेस में इस कपड़े को, इस स्लीव्स को इसी तरीके से यहाँ से, जैसे हम सिंपल स्लीव्स दूसरी अपने कपड़ों में लगाते हैं उसी तरीके से इसको लगाना है। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको और भी कुछ जानना है किसी भी अटायर के बारे में या किसी भी डिज़ाइन के बारे में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।